वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक गाइड वसीम। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अग्निवीर इंडियन आर्मी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करोगे। इस वीडियो में आपको इजी और कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे कि आप इंडियन आर्मी अग्निवीर एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करोगे। जब आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, तो वहां पे आपको कोई ऑप्शन नहीं आता है कि आप अपना सीक, जो कि आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है, उसका जो ऑप्शन है वो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड का मिले। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपना आर्मी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी हेल्पफुल कंटेंट पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते आज की वीडियो। आपको सबसे पहले फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए अपनी जो ईमेल आईडी है चेक करनी है। वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड की गई होगी इंडियन आर्मी की तरफ से कि आप जो है वो बिलो लिंक के साथ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आपको पहली स्टार्टिंग पे लिंक मिल जाएगी। आपको सिंपली वो उस लिंक पे क्लिक करना होगा या आपको कॉपी कर देना होगा। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको अपने गूगल क्रोम या फायरफॉक्स, जो भी आपके पास ब्राउजर अवेलेबल होगा, उसमें पेस्ट कर देना है या क्लिक करना है। आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाओगे साइट पे, तो यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हो ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, जो आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइम आपको जनरेट हुआ था, तो आपको वो रोल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, जो आपके प्रिंट आउट पे आपका जो रोल नंबर है वो मेंशन होगा। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो रोल नंबर है वो अच्छे से फिल करना है। ऐसा ना हो आप अपने रोल नंबर डालने में मिस्टेक कर रहे हो, बाद में आप कमेंट करोगे कि आपने फेक लिंक डाल दिया या आप गलत बता रहे हो कि एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो अच्छे से फिल करना है, जैसे आपके प्रिंट आउट पे मेंशन होगा बिल्कुल वैसे ही फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद, डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैं सक्सेसफुली लॉग इन हो गया, आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइट पे, ई एडमिट कार्ड, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। ई एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है डाउनलोड का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ई एडमिट कार्ड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ से मैंने जो एडमिट कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड कर दिया। इसका जो एग्जाम है वो 18/4/2023 को होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहां से आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकती हो। आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मुझे प्रोवाइड करोगे तो मैं आपको इजली आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दूंगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।